हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप सभी लोग? माय नेम इज़ सोहेल मंसूरी एंड आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने 12वीं क्लास बोर्ड एग्ज़ाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू कर रखा है और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रिपरेशन ऑफ एल्किल एंड एरिल हैलाइड। दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट क्लास से प्रिपरेशन ऑफ एल्किल एंड एरिल हैलाइड पढ़े थे और आप लोगों से गुजारिश है, आप लोगों ने नोट्स बना लिए होंगे, सो नोट साथ साथ में बनाते रहें। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के यहां से हम शुरू करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्किल एंड एरिल हैलाइड। इट मीन्स उसी टॉपिक को मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं। आप लोग मेरे साथ बने रहे, आराम से लेक्चर को एंजॉय कीजिए। लेक्चर पसंद आए तो बिंदास बढ़िया तरीके से नोट्स बना दीजिए। कुछ डाउट्स वगैरह आप लोगों को आए तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करके हमें बता सकते हो, हम आपके डाउट पूरे पूरे करेंगे। लास्ट क्लास में हमने आपको जाने से पहले एक क्वेश्चन बताकर गए थे, सही है? जो कल की क्लास थी दोस्तों, उस क्लास में मैं आप लोगों को जाने से पहले एक क्वेश्चन बताकर गया था और आई होप आप लोगों ने वो क्वेश्चन कर लिया होगा, इतनी मैं आशा करता हूं। सबसे पहले हम लोग उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे और उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे। दोस्तों, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था CH3। एक सेकेंड रुक जाना बेटा जी, आराम से, इत्मीनान से, सुकून से हम लोग देखेंगे। देखो बेटा जी, क्वेश्चन हमारा ये था CH3, यहाँ पे लगा हुआ है CH3, इधर लगा हुआ है CH, यहाँ पे लगा हुआ है CH और डबल बॉन्ड CH2। आई होप आप लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया होगा, आई होप आप लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। और एरो पे क्या लिखा हुआ था? एरो पे लिखा हुआ था HBr या HX मान लीजिए और CCl4 मान लीजिए। इस सॉल्वेंट के अंदर इसकी रिएक्शन करवानी है और क्या इसका प्रोडक्ट बनेगा, आप लोगों ने कर लिया होगा, इतनी दोस्तों में आप लोगों से आशा करता हूं। अब जरा आप ध्यान दो ना यार एक बार। सबसे पहले इस क्वेश्चन की मैं शुरुआत करता हूं। आप लोगों को पता है यहां पर कौन सा रूल फॉलो होने वाला है? यहां पे मार्कोनिकोफ रूल फॉलो होने वाला है। दोस्तों, मार्कोनिकोफ रूल क्या बोलता है? यहां पर पॉजिटिव साइन आ गया, यहां पे नेगेटिव साइन आ गया। सबसे पहले मुझे आप लोग ये बता दीजिए, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स इधर चले गए, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स इधर चले गए तो मुझे एक बात बता देना यार, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स इधर जाने के बाद में यहां पे कौन सा चार्ज आएगा? दोस्तों, यहां पर आएगा नेगेटिव चार्ज और पीछे क्या बनेगा? पॉजिटिव चार्ज। आप गलती क्या करोगे इसके अंदर? आप H तो इधर लगा दोगे और Br यहां पे लगा दोगे, जो कि सबसे बड़ी गलती है। लेकिन दोस्तों, आपको एक बेसिक ऑर्गेनिक का भी नॉलेज होना चाहिए। बेसिक ऑर्गेनिक क्या कहना चाहती है? जरा आप ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश करें, जरा आप लोग ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश करें। यहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा और उसके पास में कौन आ जाएगा? H प्लस आ जाएगा। मेरे दोस्तों, यहां पर कौन सा चार्ज बन गया? पॉजिटिव चार्ज बन गया। अब जरा मुझे गौर से बता दीजिए ना यार, जैसे ही यहां पर पॉजिटिव चार्ज बना है, यहां पर कितना डिग्री केटाइन बना है? 2 डिग्री केटाइन बना है। दोस्तों, मुझे जरा एक बात आप और बता दो ना यार, 2 डिग्री केटाइन ज्यादा स्टेबल होता है या 3 डिग्री केटाइन ज्यादा स्टेबल होता है? तो आप लोग क्या आंसर करोगे? सर, 3 डिग्री कार्बो केटाइन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बो केटाइन देन 1 डिग्री कार्बो केटाइन। मैं कहूंगा बिल्कुल आपकी बात शत प्रतिशत सही है। अब जरा मुझे एक बात बता दो, क्या आपको यहां पर 2 डिग्री के साथ साथ में 3 डिग्री भी बनता हुआ नजर आता है? अगर किसी कार्बो केटाइन के पास में रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो, अगर किसी कार्बो केटाइन जो स्पीसीज आपकी बन चुकी है, अगर उसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल आपको नजर आता है, तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को रीअरेंजमेंट करवाकर, पुनर्विन्यास करवाकर स्टेबल कार्बो केटाइन बनाना पड़ेगा और उसके बाद में आप लोगों को न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, जरा ध्यान दो ना यार, अरे एक बात बताओ ना यार, एक बात बता दो यार, यहां पे इस हाइड्रोजन को मैं ऐसे लिख दूं, यहां पर इस हाइड्रोजन को मैं ऐसे लिख दूं, जरा गौर फरमाइएगा, जरा गौर फरमाइएगा, इस हाइड्रोजन को मैं ऐसे लिख दूं, करेक्ट? अब ये 2 डिग्री जो कार्बो केटाइन है मेरे भाई, यहां से होगा क्या? अपने को पता है, यहां पर देखो बेटा जी, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर, हाँ ना बोलो बेटा जी? और जैसे ही बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इट मीन्स यहां से कौन बाहर निकल के जा रहा है?
एच माइनस बाहर निकल के जा रहा है, सो यू कैन से यहां पर क्या हो रहा है, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है। एच माइनस को हाइड्राइड कहा जाता है, एच माइनस को हाइड्राइड कहा जाता है मेरे दोस्तों। यहां से क्या हो रहा है, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है, और जैसे ही 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट आपको नजर आएगा तो मुझे बता दो ना यार। अरे क्या बताओगे दोस्तों, जैसे ही मैंने यहां पर 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट करवा लिया, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट करवा लिया, तो यहां पे क्या बन गया, यहां पे बन गया 3 डिग्री कार्बोकेटायन। क्या बन गया दोस्तों, 3 डिग्री कार्बोकेटायन। अरे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का मतलब समझते हो ना यार। इस कार्बोकेटायन वाले कार्बन के ऊपर आस पास में 3 कार्बन अटैच है, सो दैट इट इज 3 डिग्री कार्बोकेटायन। अब मुझे एक बात बता दो ना यार, वो बात क्या है, अब कौन आएगा, अब दोस्तों आएगा कौन, आएगा मेरे करण अर्जुन आएंगे, और क्या लाएंगे, Cl- लाएंगे, Cl- जैसे ही लाएंगे, और ये कहां पर अटैक करेगा, ये इधर अटैक करेगा, और अटैक करने के बाद में क्या बना दोगे, यहां बना दूं, चलो इधर ही बना देते हैं भाई, देखो क्या बनेगा, CH3, CH2 and CH3। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, फाइनल प्रोडक्ट ये बनने वाला है। आप लोग गलती से ये मत कर देना, इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करके इधर हाइड्रोजन लगा दो और इधर Cl लगा दो, बर्बाद हो जाओगे, तबाह हो जाओगे। रीअरेंजमेंट चेक कर लेना, अगर वहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो पहले रीअरेंजमेंट करवाना, आफ्टर देन आपको न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना है। ये कल वाला क्वेश्चन था, आई होप आप लोगों को ये वाला सवाल समझ में आ गया होगा, सही है। अब जरा आप ध्यान देना, हम लोगों ने कल की क्लास में और क्या डिस्कस किया था, प्रिपरेशन ऑफ एल्किल एंड एरिल हैलाइड को हमने पढ़ा था, और दोस्तों वहां से हम लोगों ने 2 इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन थी बनाने की विधि के अंदर, एक तो फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया थी और एक स्वार्ट अभिक्रिया थी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दोनों रिएक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, दोनों रिएक्शन आपको ऑन टिप्स याद होनी चाहिए। मैं उम्मीद कर सकता हूं आप लोग नोट साथ साथ में बना रहे होंगे, बाकी नोट्स आपको लेक्चर मतलब चैप्टर फिनिश होने के बाद में पूरी फ्रेश यूनिट के आपको नोट्स मिल जाएंगे। दोस्तों तो मैं आप लोगों से क्या कहना चाहता हूं, मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं जो 2 रिएक्शन थी एक बार मैं उनका रिकैप करवा देता हूं। पहली रिएक्शन क्या थी, एक तो फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया थी, दूसरी क्या थी, स्वार्ट अभिक्रिया थी, और ये दोनों रिएक्शन क्या होती है, हैलोजन विनिमय के द्वारा कंप्लीट होती है मेरे बच्चों। तो जरा आप ध्यान दो ना यार, सबसे पहले मैं फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया की बात करता हूं। फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया क्या थी, आप लोग क्या कहोगे, सर जब हम लोग एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, सुन लो बेटा जी, जब हम लोग एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ में करवाते हैं, सोडियम आयोडाइड के साथ में करवाते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई यानी शुष्क ड्राई एसीटोन, तो यहां से क्या बनता है बेटा जी, यहां से बनता है Ri बनेगा और NaX बाहर निकलेगा। तो जनरली आप क्या कह सकते हो कि यहां पे गुरुजी ये हुआ होगा, यहां पे क्या हुआ होगा, ये हुआ होगा, यहां से देखो बेटा जी ये NaX बाहर निकल गया होगा और यहां पे क्या बन गया, एल्किल आयोडाइड बन गया। अरे इस हेलोजन को इसने क्या कर दिया, विनिमय कर दिया, एक्सचेंज कर दिया, बहुत बढ़िया। इसको तो कहा जाता है आप लोगों के सामने फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया, लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, मुझे क्या बनाना है, एल्किल फ्लोराइड बनाना है। तो एल्किल फ्लोराइड बनाने के लिए हम स्वार्ट अभिक्रिया पढ़ते हैं, और स्वार्ट अभिक्रिया क्या थी, जरा आप ध्यान दो, जरा आप ध्यान दो, स्वार्ट अभिक्रिया क्या थी, स्वार्ट अभिक्रिया थी कि जब हम लोग एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया AgF के साथ में करवाते हैं, और जैसे ही AgF के साथ मैंने अभिक्रिया करवा दी, यहां से क्या बनेगा, एल्किल फ्लोराइड बनेगा, और यहां से क्या बाहर निकल जाएगा, AgX बाहर निकल जाएगा। तो ये वाली अभिक्रिया होती है स्वार्ट अभिक्रिया। दोस्तों AgF के स्थान पर हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हो SbF3, आप यूज कर सकते हो COF2, आप यूज कर सकते हो Hg2F2, है ना, कोई भी आप यहां काम में ले सकते हो, और क्या बन जाएगा,
एल्किल फ्लोराइड बन जाएगा। तो दोस्तों फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया ये होती है, फिंकेलस्टाइन रिएक्शन ये हो सकती है और स्वार्ट अभिक्रिया ये होती है। तो दोनों रिएक्शन कमाल इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद होनी चाहिए। अब हमारे टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और प्रिपरेशन मेथड और डिस्कस करते हैं। दोस्तों हम लोग बात करेंगे एरिल हैलाइड बनाने की विधि। सो जरा आप ध्यान से देखना दोस्तों इधर। अब हम जो बात कर रहे हैं एरिल हैलाइड बनाने की विधि की जो बात कर रहे हैं उसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो जरा आप ध्यान देना मेरे दोस्तों, जरा आप ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया आप डाल दीजिए हेडिंग, और इसको कहा जाता है इंग्लिश में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप लोग डाल दीजिए बेटा जी, आप लोग हिंदी में डाल दीजिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब इस रिएक्शन के थ्रू हमें क्या बनाना है, एरिल हैलाइड की फॉर्मेशन करनी है, करेक्ट। सो एक एक बात आप लोग समझने की कोशिश करना। दोस्तों होता क्या है इस रिएक्शन में, क्या होता है कि हम लोग मेथिल बेंजीन की अभिक्रिया, हम लोग मेथिल बेंजीन की अभिक्रिया FeCl3 की उपस्थिति में करवाते हैं हेलोजन के साथ में। मैंने क्या बोला, मेथिल बेंजीन की अभिक्रिया FeCl3 की उपस्थिति में या अन्य कोई लुईस अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएंगे तो यहां पर क्या बनता है, यहां पर बनता है ऑर्थो हेलो मेथिल बेंजीन एवं क्या बनता है, पैरा हेलो मेथिल बेंजीन का निर्माण होता है। जरा आप ध्यान देना यार, जरा आप समझने की कोशिश ना मेरे भाई, मैंने यहां पे क्या काम में ले लिया, ये आपका है टोलुइन, इसको आप लोग क्या कहते हो, मेथिल बेंजीन बोलते हो, इसको क्या कहा जाता है, टोलुइन या फिर मेथिल बेंजीन कहा जाता है। दोस्तों जरा ध्यान देना, जब हम लोग इस मेथिल बेंजीन की अभिक्रिया हमने करा दी FeCl3 की प्रेजेंस के अंदर, या आपको FeCl3 ना मिले या आपको ऐसे लिखा मिल जाए Fe+3 लिखा मिल जाए, अगर आपको ये भी ना मिले तो आपको मिल सकता है कोई अन्य लुईस एसिड, क्या मिल सकता है, लुईस अम्ल आपको मिल सकता है। दोस्तों यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, हेलोजन तो साथ में लेना ही है बेटा जी, उसके बिना तो काम होगा ही नहीं, अरे उसके बिना तो काम होगा ही नहीं। तो यहां से क्या बनेगा, यहां से बनता है एक तो ऑर्थो हेलो मेथिल बेंजीन। अब मैं आपको यह सवाल पूछना चाहूंगा कि यहां पर ये ऑर्थो पे एक्स लगा है और एक लगा है पेरा पे एक्स। मेरा सवाल आप लोगों से यह है, अगर आपको आता है तो मन में जवाब दे दीजिए, आपके जवाब में सुन नहीं सकता हूं, ईमानदारी से बता दीजिए कि यहां पर मेटा क्यों नहीं बना, यहां पर मेटा प्रोडक्ट क्यों नहीं बना। उसका आंसर ये होता है कि जो आपका ये एल्किल ग्रुप होता है, अगर बेंजीन पर कोई एल्किल ग्रुप आपको नजर आता है तो उसका क्या प्रभाव होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट होता है। तो यहां से ये तो क्या बन गया मेरे भाई, भाई ये तो क्या बन गया, ऑर्थो हेलो मेथिल बेंजीन या टोलुइन बोल सकते हो, और यहां से ये क्या बन गया, पेरा हेलो मेथिल बेंजीन। ओके चलो, तो जनरली यहां पर क्या हुआ है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूट हुआ है, H+ यहां से बाहर निकला है, फिर H+ यहां से बाहर निकला है और यहां पे कौन जुड़ गया, X+ जुड़ गया, कौन जुड़ गया, X+ जुड़ गया। इतनी बात आप लोगों को समझ में आती है क्या, इतनी बात आपके दिमाग में बैठती है क्या, जल्दी से मुझे आप बता दीजिए, जल्दी से मुझे आप लोग बता दीजिए। जरा मैं आपको टॉपिक को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों होता क्या है, जरा ध्यान देना, तो ये पूरी जो रिएक्शन होती है ये अंधेरे के अंदर होती है, क्या होती है बेटा जी, अंधेरे के अंदर होती है। अब इधर देखो, यहां पर एक स्पेशल नोट क्या लिखा जाता है, लिख लो अगर लिखना चाहो तो, स्पेशल नोट ये होता है कि फ्लोरीन युक्त यौगिक हम इस अभिक्रिया के द्वारा नहीं बनाते, क्योंकि फ्लोरीन की क्रियाशीलता बहुत ज्यादा होती है। क्या होता है बेटा जी, फ्लोरीन युक्त यौगिक इस अभिक्रिया के द्वारा नहीं बनाए जाते क्योंकि फ्लोरीन की क्रियाशीलता बहुत ज्यादा होती है, फ्लोरीन की जो रिएक्टिविटी होती है बहुत ज्यादा होती है, इसलिए फ्लोरीन युक्त यौगिक इस अभिक्रिया के द्वारा नहीं बना सकते, नहीं 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 बना सकते। यस और नॉट, ये बात आपको समझ में आती है क्या, ये कहलाती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दो तीन रिएक्शन और है बनाने की विधि के अंदर, उनको भी पढ़ के हम इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। अब देखो बेटा जी, नेक्स्ट
नेक्स्ट क्या रिएक्शन आती है। तो एक बारी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, एक बारी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं सामने से हट जाता हूँ, फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, मैं सामने से हट जाता हूँ ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब, अति उत्तम। जरा आप देखो यार, जरा आप देखो, मैं आपको नेक्स्ट रिएक्शन के थ्रू बनाने की कोशिश करता हूँ, एरिल और एल्किल हैलाइड कैसे बनाएंगे। देखो बेटा जी, देखो आराम से, ध्यान से देखना, सही है। अब हम लोग क्या बात करेंगे, दो रिएक्शन और यहां पर काम आने वाली है। एक तो बढ़िया रिएक्शन है सेंडमायर अभिक्रिया, सेंडमायर अभिक्रिया दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, सेंडमायर अभिक्रिया। ओके, एक तो इसके थ्रू बनाएंगे और एक दोस्तों हम लोग बनाएंगे गाटरमान अभिक्रिया। तो ये दोनों रिएक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके चलो, अब दोस्तों हम लोग सेंडमायर अभिक्रिया की बात करते हैं। सेंडमायर अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करवाएंगे, बेंजीन का नाइट्रीकरण करवाएंगे। बेंजीन का नाइट्रीकरण कराने पर नाइट्रोबेंजीन हमको मिलता है और उस नाइट्रोबेंजीन का हम अपचयन करवा देंगे तो एनिलीन हमको प्राप्त होगा। अब इस एनिलीन की अभिक्रिया हम लोग क्या करवाते हैं, NaNO2 प्लस HCl के साथ में करवाते हैं तो डाई एजोनियम सोल्ट बनेगा और उस डाई एजोनियम सोल्ट की अभिक्रिया आगे हम किसके साथ में करवाते हैं, CuX2 के साथ में कराने पर क्या बनता है, हेलोबेंजीन का निर्माण होता है या हेलोएरिन का निर्माण होता है। देखो कैसे, लेकिन रिएक्शन शुरू करेंगे हम लोग यहां से एनिलीन से शुरू करेंगे, रिएक्शन शुरू करेंगे एनिलीन से, करेक्ट। आपको पता ही है एनिलीन कैसे बनी है, आप सब लोग जानते हो, सही है। अगर दोस्तों जब एनिलीन की अभिक्रिया हम लोग करवा देते हैं दोस्तों, किसके साथ में करवाएंगे, हम लोग करवाएंगे दोस्तों NaNO2 प्लस HCl के साथ में, NaNO2 प्लस HCl, या फिर आप लोग और करके क्या लिख सकते हो, HNO2, क्या लिख सकते हो बेटा जी, HNO2, क्यों, यहां से बाहर कौन निकल गया, NaCl बाहर निकल गया। दोस्तों ये अभिकर्मक जो होता है इसको कहा जाता है डाई एजोटीकरण रिएजेंट या डाई एजोटाइजिंग रिएजेंट कहा जाता है, और इस अभिकर्मक के द्वारा एनिलीन का किसमें फॉर्मेशन हो जाता है, डाई एजोनियम सोल्ट में फॉर्मेशन हो जाता है। कैसे होगा, जरा आप ध्यान देना यार, ये क्या करेगा, डाई एजोनियम सोल्ट बना देगा, क्या बना देगा बेटा जी, एनिलीन से क्या बना देगा, डाई एजोनियम सोल्ट बना देगा। ये N2 हो गया, ये CL हो गया, यहां पे माइनस हो गया, यहां पर पॉजिटिव हो गया, इसको कहा जाता है बेंजीन डाई एजोनियम लवण। अब मेरे विद्यार्थियों जरा आप इधर देखना, अब इस डाई एजोनियम लवण की अभिक्रिया मैं CuX2 के साथ में करवा दूं, कमाल की बात है बेटा जी। जैसे ही मैं CuX2 के साथ में करवा दिया तो यहां से क्या बनेगा दोस्तों, यहां से बनेगा हेलोबेंजीन, क्या बनेगा दोस्तों, हेलोबेंजीन बनेगा और क्या बाहर निकल जाएगा, N2 बाहर निकल जाएगा। इस अभिक्रिया को कहा जाता है सेंडमायर अभिक्रिया। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात होती है वो सारी मैं लिखवा देता हूं। सबसे पहले इसको तो आप क्या कहोगे, एनिलीन कहोगे, एनिलीन इसका नाम होता है, इसको क्या कहते हो, इसको कहते हो बेंजीन डाई एजोनियम सोल्ट, क्या कहते हो बेटा जी, बेंजीन डाई एजोनियम सोल्ट। ओके, बेंजीन डाई एजोनियम सोल्ट इसका नाम होता है, इसको कहा जाता है हेलोबेंजीन, क्या कहा जाता है बेटा जी, हेलोबेंजीन या फिर हेलोएरिन, करेक्ट। अब एक कमाल बात क्या होती है कि यहां पर एक्स की जगह आप लोग काम में ले सकते हो, सीएल काम में ले सकते हो और BR काम में ले सकते हो, लेकिन आप लोगों को तो बनाना है आयोडोबेंजीन, क्या बनाना है बेटा जी, आयोडोबेंजीन। तो आयोडोबेंजीन बनाने के लिए, आयोडोबेंजीन बनाने के लिए हम लोग रिएक्शन पढ़ते हैं बेटा जी, गाटरमान अभिक्रिया। बहुत ही प्यारी रिएक्शन है, बहुत कमाल इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है गाटरमान अभिक्रिया। आप लोग आराम से देखना बेटा जी, आप लोग आराम से देखना गाटरमान अभिक्रिया। ओके, देखो विद्यार्थियों,
गाटरमान अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, ये रिएक्शन कैसे कंप्लीट होती है, क्या रिएजेंट हम काम में लेते हैं, तो सबसे पहले वही कहानी, हम एनिलीन की अभिक्रिया, भाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये रिएक्शन, इसको हल्के में बिल्कुल मत लेना आप लोग, भाई हल्के में लोगे तो भाई प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी। वही सेम कहानी लेंगे बेटा जी, NaNO2 काम आएगा, HCl काम आने वाला है, और इसको कहा जाता है डाई एजोटीकरण, क्या कहा जाता है डाई एजोटीकरण, डाई एजोटाइजेशन कहा जाता है। तो मुझे एक बात बता दीजिए, सबसे पहले तो क्या बनेगा, ऊपर रिएक्शन को देखो क्या बनेगा, डाई एजोनियम सोल्ट बनेगा, क्या बनेगा मेरे भाई, डाई एजोनियम सोल्ट बनेगा। लेकिन दोस्तों यहां पर आपको अपने शब्दों को विराम देना है और रुक जाना है, वहां पर अगर हम लोगों ने रिएक्शन CuX2 के साथ में करवा दी तो इसको सेंडमायर अभिक्रिया कहा गया, लेकिन अगर यहां पे रिएक्शन, यहां पर अगर मैं रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ में, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर चूर्ण, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई जाएगी, दोस्तों क्या बन जाएगा बता दो, बता दो और बता दो, क्या बनेगा मेरे भाई, जल्दी से बोलो ना यार, क्या बनेगा, आयोडोबेंजीन बनेगा, आयोडोबेंजीन बनेगा। ये कमाल कातिल बात आपको कैसे लगी, इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं, इस अभिक्रिया का नाम होता है, इस अभिक्रिया का नाम होता है गाटरमान अभिक्रिया नाम होता है। क्या आप लोगों को ये मेरी बात समझ में आ गई क्या, क्या आप लोगों को ये मेरी कमाल बात समझ में आ गई क्या, जरा आप लोग मुझे बता तो दो कम से कम, ये आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई क्या। देखो ये अभिक्रिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो इसको लगा दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको भी लगा दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब कोई ऐसे मत बोलना सर यहां पे 3V लगा है, यहां पे 2V लगा है, क्या ये कम इंपॉर्टेंट है, क्या ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे भाई नेम रिएक्शन तो कोई सी भी हो सभी इंपॉर्टेंट होती है। प्लीज़ मुस्कुराकर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप लोग इसको उतार लीजिए, बना लीजिए, फटाफट बना लीजिए। ओके चलो बहुत बढ़िया, तो एक रिएक्शन तो आपकी ये हो गई, सही है। तो अलग अलग तरीके से हम लोग बना सकते हैं, कौन है भाई ये, हाँ तो 2-3 रिएक्शन हमने आप लोगों को बता दी है, 2 ये केमिकल रिएक्शन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एल्कोहल के थ्रू या एल्कोहल से हम लोग क्या बनाएंगे, एल्किल एंड एरिल हैलाइड बनाएंगे। सो आप ध्यान देना यार, नेक्स्ट हेडिंग क्या डालोगे आप लोग, प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड फ्रॉम एल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड फ्रॉम एल्कोहल। तो आप लोग क्या बोल सकते हो, आप लोग बोल सकते हो एल्कोहल से निर्माण, प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे एरिल हैलाइड। डाल दो, बढ़िया तरीके से आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, सुंदर तरीके से आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, जरा आप एक एक बात समझने की कोशिश करना। अब यार हमें एल्कोहल से क्या बनाना है, एल्किल हैलाइड बनाना है, तो जरा आप लोग ध्यान देना, छोटी छोटी केमिकल रिएक्शन होती है। सबसे पहले मैं एक रिएक्शन की बात करता हूं कि ये आपका कौन है बेटा जी, एल्कोहल है, कौन है बेटा जी, एल्कोहल है। अगर इस एल्कोहल की अभिक्रिया कंसंट्रेट HCl, सांद्र HCl और ZnCl2 की उपस्थिति में करवाऊंगा, ZnCl2 की उपस्थिति में करवाऊंगा, तो होगा क्या, जरा आप ध्यान देना, होगा क्या, जरा आप ध्यान देना, ZnCl2 की उपस्थिति में कराऊंगा तो यहां पे क्या बनेगा, यहां पर बनेगा RCl बनेगा और H2O बाहर निकल जाएगा। अरे मेरे लाल बाल गोपाल, अरे इधर देख तो सही कम से कम तू जरा, अरे यहाँ पे OH है, यहाँ पे H है, कौन बाहर निकल गया दोस्तों, H2O बाहर निकल गया। तो जरा मुझे बता दीजिए, क्या आप लोगों का ये
एल्किल हैलाइड बन गया क्या? आप कहोगे यस सर एल्किल हैलाइड बन गया है, यस सर एल्किल हैलाइड बन गया है। इसका नाम क्या होता है जल्दी से बता दो दोस्तों मेरे को, इसका नाम होता है एल्किल हैलाइड, इसका नाम होता है। आपने क्या काम में लिया है? आपने काम में लिया है एल्कोहल काम में लिया है। तो जरा मुझे एक बात समझाने की कोशिश करें, क्या सिंपली यहां से H2O आप बाहर निकाल सकते हो? जनरली आपने H2O बाहर निकाल दिया। अब जरा और आगे सुनने की कोशिश करना, एक नोट यहां पे क्या लिखना है, नोट यहां पर यह लिखना है कि नोट क्या है, वो नोट यह है कि यहां पर अगर हम लोग 1 डिग्री, यहां पर अगर हम लोग 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल की बात करेंगे, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल की बात करेंगे तो हमको क्या यूज में लेना पड़ेगा? हमको यूज में लेना पड़ेगा कंसंट्रेट HCl प्लस यूज में लेना पड़ेगा ZnCl2। अरे हाँ ना बोलो मेरे लाल बाल गोपाल, अरे जल्दी से बोल दो ना यार, ये हमको काम में लेना पड़ेगा, यस और नोट। लेकिन अगर मान लीजिए आप यहां पे काम में लो 3 डिग्री अल्कोहल, यहां पे आपको रुक जाना है। यहां पर जो रिएक्शन कंप्लीट होती है, यहां पर जो रिएक्शन कंप्लीट होती है वो सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेट HCl के साथ इसको मिलाने पर कमरे के ताप पर ये कंप्लीट हो जाती है। तो जरा आप ध्यान दो ना यार कि 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल से रिएक्शन करवाने के लिए हम इन दोनों की रिक्वायरमेंट लेते हैं, लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल से अभिक्रिया कराने पर सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेट HCl और एक रूम टेम्परेचर हम काम में लेते हैं, रिएक्शन हो जाती है, एल्किल हैलाइड बन जाता है। ये बात आपको समझ में आती है? एक कंपटीशन वाला सवाल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। इस रिएजेंट को कहा जाता है लुकास अभिकर्मक। ओ हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा जी। इस रिएजेंट को कहा जाता है लुकास अभिकर्मक कहा जाता है। ये रिएक्शन होती है एल्कोहल से एल्किल हैलाइड का निर्माण, यस और नोट, बता दो। आगे बात समझ में? चलो टॉपिक को मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। और हम कैसे बना सकते हैं एल्कोहल से, जरा आप ध्यान देना यार, एक एक बात समझने की कोशिश करना। बड़े इंपॉर्टेंट कमाल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। यहां पर मैं एल्कोहल काम में ले लिया, अगर एल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 के साथ में करवा दिया, आय हाय हाय ये कहां से आ गई रिएक्शन। मैं बताता हूं कहां से आ गई, यहां से क्या बनेगा, RCl बनेगा। कौन बाहर निकलेगा? SO2 निकलेगा। कौन निकलेगा? HCl निकलेगा। अरे क्या बाहर निकलता है, कैसे बाहर निकलता है, समझाता हूं। अरे थोड़ा सा इंतजार, थोड़ा सा सबर रखो बेटा जी। इंतजार करना बहुत अच्छी बात होती है। अरे इसको तोड़ा, दिस इज कॉल्ड आवर फर्जीवाड़ा। इसको तोड़ा। यहां पे कौन है S, यहां पे कौन है O, यहां पे कौन लगा दिया Cl, इधर कौन लगा दिया Cl। अरे मेरे गुरुजी और हो, एक बात बता दो, SO2 बाहर निकल गया ना? यस निकल गया। क्या HCl बाहर निकल गया? बिल्कुल निकल गया। क्या RCl बन गया? अरे बन तो गया। अरे एक ये RCl बन गया, SO2 बाहर निकल गया और HCl बाहर निकल गया। हाँ ना बोल दीजिए। फटाफट बता दो क्या आपको ये बात समझ में आ गई? डार्सन रिएक्शन का एग्जांपल होता है, यस और नॉट, करेक्ट। अब आपके दिल दिमाग में ऐसे कि सर मुझे तो और बताओ, और रिएक्शन बताओ। मैं कहता हूं ले मेरे भाई, बिल्कुल और क्या, और ले, सैकड़ों रिएक्शन ले। मैंने आपकी बार रिएक्शन करवा दी PCl5 के साथ में। यार PCl5 के साथ में रिएक्शन करवाने पर बनेगा RCl, बनेगा POCl3, बनेगा RCl, बनेगा POCl3, बनेगा और HCl बाहर जाएगा। अब ये कैसे बनेगा? अरे देख लो मेरे लाल बाल गोपाल, कैसे बनेगा जरा आप समझने की कोशिश कर लीजिए। मैंने इस वाले बॉन्ड को तोड़ दिया, मैंने इस वाले बॉन्ड को भी तोड़ दिया, मैंने यहाँ पे PCl3 लिख दिया, मैंने यहाँ पे Cl लगा दिया, यहाँ से RCl बन गया, यहाँ से POCl3 बन गया, यहाँ से HCl बन गया। आप कहोगे हाँ बन गया, अरे तो वही तो मैं बता रहा हूं, अरे वही तो बनाना है, उनसे तो मुझे मतलब ही नहीं है। मेरा मेन प्रोडक्ट क्या है बेटा जी? मेरा मेन प्रोडक्ट है बेटा जी एल्किल हैलाइड, मेन प्रोडक्ट है भाई एल्किल हैलाइड, मेन प्रोडक्ट है। अब जरा मैं आप लोगों से एक बढ़िया सवाल करता हूं, कंपटीशन में पूछ सकता है, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फास्फोरस इन POCl3? POCl3 में फास्फोरस पर क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्या संकरण होगा? यह आपका होमवर्क है, निकाल सकते हो इजीली सही है या नहीं। ये एल्कोहल की एक रिएक्शन मैंने आपको और बता दी है।
एनर्जी के साथ में पढ़ो दोस्तों, फुल एनर्जी दिखाओ। सही है, अब एक दो रिएक्शन और देख लो बेटा जी कहां दिक्कत आ रही है। जितनी रिएक्शन हमको पता है वो तो सारी हम बता देंगे आप लोगों को। सही है, चलो अब देखो बेटा जी, अगर हम लोग एल्कोहल की अभिक्रिया PCl3 के साथ में करवा दे, एल्कोहल की अभिक्रिया, ना बेटा ना, हमने किसके साथ में करवा दी, हमने सबसे पहले करवा दी HCl के साथ में करवा दी, ZnCl2 हो गया, PCl5 के साथ में करवा दी हम लोगों ने, उसके अलावा हम लोगों ने डार्जन रिएक्शन पढ़ लिया। सही है, बस दुनिया भर की रिएक्शन होती है, मोर देन सफिशियंट होता है, अरे मोर देन सफिशियंट होता है। और बात देख लीजिए बेटा जी, और क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, और रिएक्शन क्या होती है, हाँ एक रिएक्शन हम लोग और देख सकते हैं ना, रेड फॉस्फोरस X2 के साथ में इसकी अभिक्रिया कराने पर, यह भी कमाल इंपोर्टेंट है मेरे भाई, लाख रुपए वाली बात है बेटा जी। यहां भी क्या बनेगा, RX बनेगा, क्या बनेगा, RX बनेगा, कौन बाहर निकलेगा, कौन बाहर निकलेगा, ओहो ओहो ओहो, अरे कैसे हो सकता है ये कैसे हो सकता है, मैं समझाता हूँ कैसे बनाना है इसको हम लोगों को। इधर देखो बेटा जी, अगर हम लोग लाल फॉस्फोरस की उपस्थिति में रिएक्शन करवा देंगे तो जरा आप ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये कैसे बनेगी, ये ऐसे बनती है बेटा जी। अगर हम लोग एल्कोहल की अभिक्रिया रेड फॉस्फोरस X2 की प्रेजेंस यहाँ पे लेते हैं, अगर हम लोग Br2 या हम लोग Cl2 के साथ में अभिक्रिया करवा देंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनता है बेसिकली, यहां पे बनेगा एल्किल ब्रोमाइड बन जाएगा, या फिर क्या बन जाएगा, एल्किल क्लोराइड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एल्किल ब्रोमाइड बन जाएगा, या फिर एल्किल क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाएगी, यस और नॉट, अरे हां ना बोलो बेटा जी। देखो यहां पे X2 क्या क्या हो सकता है, यहां पे आप Br2 काम में ले सकते हो, यहां पे Cl2 काम में ले सकते हो। अगर आप X2 की जगह Br2 काम में लोगे तो यहां से क्या बनेगा, RBr बनेगा, अगर यहां पे ये काम में लोगे तो क्या बनेगा, RCl बनेगा। ये सारी प्रिपरेशन होती है आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट हम शुरू करते हैं। चलो भाई देखो, आप लोगों ने दोस्तों सारी बातें पढ़ ली हैं, आप लोगों को सारी बातें समझ में भी आ गई होगी। अब दोस्तों मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, बेसिक्स पढ़ लिया हम लोगों ने, उसके अलावा क्लासिफिकेशन देख लिया, उसके अलावा नोमनक्लेचर हम लोगों ने देख लिया, और प्रिपरेशन मेथड आज कंप्लीट हो चुकी है। आज तक हमने जो पढ़ा है उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, और वो आपको समझना ही पड़ेगा, वो आपको समझना ही पड़ेगा, आपके पास में और कोई ऑप्शन नहीं है। सही है, आज तक जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी है वो मैं आपको बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। आज तक जो हमने पढ़ा है, आज तक न्यूज वाला आज तक नहीं बेटा जी, आज तक हमने जो पढ़ा है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट कहानी होती है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट कहानी यह होती है फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया। फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया, सेकंड इंपॉर्टेंट कहानी होती है स्वार्ट अभिक्रिया, स्वार्ट रिएक्शन। थर्ड जो महत्वपूर्ण बात होती है वो होती है सैंडमायर अभिक्रिया। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात होती है वो होती है गाटरमान अभिक्रिया। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात होती है वो होती है डार्जन अभिक्रिया। तो आज तक जो हमने पढ़ा है ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए, ये बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको प्लीज़ आप लोग किसी भी तरीके से ऑन टिप्स कर लीजिए, और अपनी जो एक्स्ट्रा कॉपी है नेम रिएक्शन की उसमें बना लीजिए। ये वाली रिएक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया, स्वार्ट अभिक्रिया, सैंडमायर अभिक्रिया और गाटरमान अभिक्रिया। अब देखो शॉर्ट नोट कैसे बनाने हैं, आज तो मैं आपको समझा देता हूं और बाकी आगे बार से आपको खुद करना है। देखो बेटा जी, शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखता हूँ,
देख लो शॉर्ट नोट्स कैसे बनते, मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे लिखा मैंने रिएक्शन, यहाँ पे क्या लिखा मैंने, रिएक्शन, ओके। यहां पे लिखा मैंने रिएक्टेंट, अभिकर्मक, यहां पे लिखा मैंने रिएजेंट, सॉरी अभिकारक, यहां पे लिखा मैंने रिएजेंट अभिकर्मक, यहां पे लिखा मैंने प्रोडक्ट। इस तरीके से नेम रिएक्शन बनाई जाती है, करेक्ट, बहुत बढ़िया। यहाँ पे रिएक्शन का नाम लिख लिया हम लोगों ने, फिर यहाँ पे रिएक्टेंट लिख लिया हम लोगों ने, फिर यहाँ पे हमने अभिकर्मक लिख लिया, और यहाँ पे क्या बनेगा, प्रोडक्ट हमने वो लिख लिया। हाँ ना, बोलो बेटा जी, सही है, चलो बहुत बढ़िया। देखो सही है, ओके, चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे यहां पे रिएक्शंस का नाम लिखेंगे सबसे पहले, और रिएक्शन का नाम मैं येलो में लिख देता हूं। सबसे पहली अभिक्रिया हमने लिखी फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया, क्या लिखी बेटा जी, फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया। देखो लिखने का तरीका है, आज आज ही बताऊंगा, नेक्स्ट टाइम नहीं बताऊंगा। फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया, ओके, फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया के अंदर जो आपका रिएक्टेंट क्या होता है वो लिखना है, सारी बातें लिखनी है। फिर मैं यहां पे लिखता हूं बेटा जी नेक्स्ट, स्वार्ट अभिक्रिया, स्वार्ट अभिक्रिया। नेक्स्ट मैं लिखता हूं बेटा जी सेंडमायर अभिक्रिया, नेक्स्ट लिखता हूं दोस्तों मैं गाटरमान अभिक्रिया, नेक्स्ट लिखता हूं बेटा जी मैं डार्जन अभिक्रिया, सही है। अब देखो बेटा जी फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया के अंदर जो आपके अभिकारक होता है वो क्या होता है बेटा जी, एल्किल हैलाइड होता है, और जो रिएजेंट होता है वो क्या होता है, एक तो हम काम में लेते हैं, एक तो हम क्या काम में लेंगे, NaI काम में लेंगे, और क्या काम में लेंगे, प्लस ड्राई एसीटोन काम में लेंगे, ड्राई एसीटोन काम में लेंगे। और जो आपका प्रोडक्ट होता है वो क्या बनेगा, वो बनेगा यहाँ से RI बनेगा, एल्किल आयोडाइड बनेगा, यस और नोट, सही है। हम लोग स्वार्ट अभिक्रिया की बात करते हैं तो इसके अंदर अगर हम लोग एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, रिएजेंट क्या काम में लेंगे, या तो AgF हो सकता है, या आपका SbF3 हो सकता है, या आपका Hg2F2 हो सकता है, दुनिया भर के होते हैं, एक दो मैंने आपको लिख दिया है, और यहां से क्या बनेगा, एल्किल फ्लोराइड बनेगा, बहुत बढ़िया। सेंडमायर अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, अभिकारक तो क्या होता है, एनिलीन, क्या होता है बेटा जी, एनिलीन, सही है। एनिलीन की अभिक्रिया किससे करवाएंगे, सबसे पहले हम लोग करवा देंगे एनिलीन की अभिक्रिया NaNO2 प्लस HCl के साथ में, तो क्या बनेगा, डाई एजोनियम सोल्ट बनेगा। फिर उसकी अभिक्रिया हम लोग किससे साथ में करवा देंगे, CuX2 के साथ में करवा देंगे, और यहां से क्या बन जाएगा, यहां से बनेगा हेलोबेंजीन, क्या बनेगा बेटा जी, हेलोबेंजीन या हेलोएरिन बनेगा, और यहाँ पे एक्स कौन कौन था, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, सही है, चलो बहुत बढ़िया। फिर गाटरमान अभिक्रिया की बात करेंगे, सेम कहानी, वही एनिलीन, लेकिन अभिकर्मक क्या होगा, सबसे पहले तो क्या लेंगे, NaNO2 प्लस HCl डाई एजोनियम सोल्ट बनेगा, फिर हम लोग इसकी रिएक्शन किससे करवा देंगे, हम लोग करवा देंगे सोडियम आयोडाइड के साथ में, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर चून, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर चून, और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, आयोडोबेंजीन बनेगा, क्या बनेगा दोस्तों, आयोडोबेंजीन बनेगा, बहुत बढ़िया। इधर देख लो, इसमें जो अभिकर्मक होता है डार्जन अभिक्रिया में वो एल्कोहल होता है, रिएजेंट कौन होता है, SOCl2 काम में लेते हैं, और क्या बनता है यहाँ पे, यहाँ पे बनता है RCl, एल्किल हैलाइड बनता है।
तो ये शॉर्ट तरीके से मैंने आप लोगों को बता दिया है। सो आप लोग इसको आराम से बनाने की कोशिश करना। दोस्तों ये आज प्रिपरेशन खत्म हो चुकी है, नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग बात करेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड। सो आप सभी लोगों से गुजारिश है आप लोग अपना ध्यान रखते हुए अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें, आराम से बढ़िया तरीके से पढ़े। कुछ डाउट्स आते हैं आप हमसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।